कैसे और कब बना तिरंगा, क्या है तिरंगे की पूरी कहानी, सबसे पहले किसके मन में तिरंगे को लेकर आया ख्याल, क्या आप जानते हैं तिरंगे के पीछे की ये कहानी। नमस्कार, मैं हूं नितेश उपाध्याय और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। हमारे देश की आन बान शान तिरंगा है, लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे देश को ये तिरंगा कब और किन परिस्थितियों में मिला? तो चलिए इस खबर में जानते हैं तिरंगे के बारे में। दरअसल बात 18वीं शताब्दी की है। भारत अंग्रेजी हुकूमत की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। देश के लोग अंग्रेजी जुल्म से आजादी तो चाहते थे, लेकिन खुलकर और संगठित नहीं हो पा रहे थे। लेकिन सन 1831 में जब राजा राम मोहन राय इंग्लैंड जा रहे थे, तो उन्होंने एक फ्रांसीसी जहाज पर फ्रांस का झंडा लहराता दिखाई दिया। उसमें भी तीन रंग थे। 1857 की क्रांति ने भारतवासियों के दिल में आजादी के बीज बो दिए। 20वीं शताब्दी में जब स्वदेशी आंदोलन ने जोर पकड़ा, तो एक राष्ट्रीय ध्वज की जरूरत महसूस हुई। स्वामी विवेकानंद की शिष्या सिस्टर निवेदिता ने सबसे पहले इसकी परिकल्पना की। फिर 7 अगस्त 1906 को कोलकाता में बंगाल के विभाजन के विरुद्ध में एक रैली हुई, जिसमें पहली बार तिरंगा झंडा फहराया गया। समय के साथ इसमें परिवर्तन होते रहे, लेकिन जब अंग्रेजों ने भारत छोड़ने का फैसला किया, तो देश के नेताओं को राष्ट्रीय ध्वज की चिंता हुई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में एक ध्वज समिति का गठन किया गया और उसमें यह फैसला किया गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के झंडे को कुछ परिवर्तनों के साथ राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार कर लिया जाए। ये तिरंगा हो और इसके बीच में अशोक चक्र हो। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का विकास आज के स्वरूप में पहुंचने के लिए अनेक दौरों से गुजरा। एक स्वरूप से ये राष्ट्र में राजनीतिक विकास को दर्शाता है। हमारे राष्ट्रीय ध्वज के विकास में कुछ ऐतिहासिक पड़ाव भी आए हैं। प्रथम राष्ट्रीय ध्वज 7 अगस्त 1906 को पारसी बागान चौक यानी कि ग्रीन पार्क कोलकाता में फहराया गया था। इस ध्वज को लाल, पीले और हरे रंग की क्षैतिज पट्टियों से बनाया गया था। दूसरे ध्वज को पेरिस में मैडम कामा और 1907 में उनके साथ निर्वासित किए गए कुछ क्रांतिकारियों द्वारा फहराया गया था। ये भी पहले ध्वज के समान था, सिवाय इसके कि इसमें सबसे ऊपरी पट्टी पर केवल एक कमल था, किंतु 7 तारे सप्तऋषि को दर्शाते हैं। ये ध्वज बर्लिन में हुए समाजवादी सम्मेलन में भी प्रदर्शित किया गया था। तीसरा ध्वज 1917 में आया, जब हमारे राजनीतिक संघर्ष ने एक निश्चित मोड़ लिया। डॉक्टर एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने घरेलू शासन आंदोलन के दौरान इसे फहराया। इस ध्वज में 5 लाल और 4 हरी पट्टियां एक के बाद एक और इस पर बने 7 सितारे थे। बाईं और ऊपरी किनारे पर खंभे की ओर यूनियन जैक था। एक कोने में सफेद अर्धचंद्र और सितारा भी था। देश में अब तक तिरंगे के कई स्वरूप बदल चुके थे, लेकिन भारत को अभी तक अपना तिरंगा नहीं मिला था। लेकिन फिर आई साल 1927, जब भारत को अपना तिरंगा मिला। 1921 में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के अपने एक झंडे की बात कही, जिसके बाद पिंगली वेंकैया ने झंडे का डिजाइन बनाया। उस झंडे को देश के 2 सबसे बड़े धार्मिक समुदायों हिंदू और मुसलमान को दर्शाते लाल और हरे रंग में बनाया गया। बाद में इस झंडे में परिवर्तन किया गया और लाल रंग के स्थान पर केसरिया रंग जोड़ दिया गया। राष्ट्रीय ध्वज का वर्तमान स्वरूप की कल्पना पिंगली वेंकैया ने की थी, जिसको ध्यान में रखते हुए 1931 में एक प्रस्ताव पारित किया गया था और केसरिया, सफेद एवं हरे रंग के वर्तमान संयोजन वाले राष्ट्रीय ध्वज को फहराया गया। हालांकि वो राष्ट्रीय ध्वज इस मामले में वर्तमान ध्वज से अलग था कि उसमें अशोक चक्र की जगह महात्मा गांधी द्वारा सूत कातने वाला चरखा बना हुआ था। चरखा जहां स्वदेशी के संदेश के साथ देश की गरीब और हस्तशिल्पियों का प्रतिनिधित्व करता था, वहीं गांधी जी के अहिंसात्मक स्वतंत्रता आंदोलन का एक महान प्रतीक भी था। इसी झंडे के विकास स्वरूप को हम आज भारत के वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज के रूप में देखते हैं। 1931 में फहराए गए ध्वज में जहां सूत का चरखा था, वहीं वर्तमान ध्वज में उसकी जगह सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ में बने चक्र को लिया गया, जिसके अंदर 24 तिलियां बनी हुई हैं। राष्ट्रीय ध्वज के वर्तमान स्वरूप को 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा की बैठक में अपनाया गया और इस तरह देश के राष्ट्रीय ध्वज का वर्तमान स्वरूप बना। तो ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।